यहाँ से देखिए नजारे, क्या बात है। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार मैं बिहार में पहाड़। यहाँ पे आपको हर जगह पे टमटम की सवारी देखने को मिलेगी और मजा बहुत ही ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं ग्लास ब्रिज और फुल ऑन एक्साइटेड है वीडियो में। और ये लोग सब्सक्राइब भी किए हैं, साथ में हम भी हैं। यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं, देख सकते हैं भाई लोग। देख सकते हैं मेरे पीछे स्काई वॉक्स ऑफ बिहार, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजगीर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। हम लोग राजगीर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे होटल था, काफी बेस्ट प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा था। रात को हम लोग जैसे तैसे आके, मतलब लेट हो गया था आने में हम लोग को, लेकिन कैसे भी करके हम लोगों ने होटल फाइंड किया यहाँ पे। आज हम जो भी डेस्टिनेशन है यहाँ का, जैसे ग्लास ब्रिज हो गया, नेचर सफारी हो गया, हर कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्यारा सा सनराइज भी हो चुका है इधर में, यहाँ से माउंटेन भी दिख रहा है। इधर सभी भाई हैं जो कि फुल ऑन रेडी हैं। क्या भाई रेडी है ना आज राजगीर घूमने के लिए? बिल्कुल एक्साइटेड, फुल एक्साइटेड है जर्नी के लिए, क्योंकि ये जो ट्रिप है हमारा बिहार का, स्पेशली हम लोग बिहार टूरिज्म को प्रमोट भी करेंगे इस वीडियो के थ्रू। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग, तो व्लॉग पूरा अंत तक देखना गाइस, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं Navneet Sir 21। थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग भी करेंगे एंड डायरेक्ट चलेंगे डेस्टिनेशन पे। लेट्स गो। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं होटल से, और आज रात को भी फिर यहीं पे हम लोग स्टे करेंगे। और सभी आदमी रेडी हैं, मोटो व्लॉग सेटअप भी रेडी है, और चलिए अभी मोटो व्लॉग मोड में मिलते हैं। क्योंकि जब भी आप राजगीर आते हैं ना, तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में ही आप यहाँ से निकल जाओ होटल से, कि वहाँ पर बहुत लंबा लाइन लगता है ना, सवेरे निकलना पड़ेगा, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड हो जाती है, तो इसलिए आप मॉर्निंग में ही निकले। तो यहाँ से हमारी राइड स्टार्ट होगी, डालते हैं बाइक को, चलिए बाइक स्टार्ट करते हैं। हम निकल रहे हैं, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। ये रहा राजगीर का स्ट्रीट, सुबह के 7:30 अभी हो रहे हैं। अपने भाई एक्सपल्स 200 से चल रहे हैं, और आनंद भाई भी स्माइल कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए नजारे, क्या बात है। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार मैं बिहार में पहाड़। मजा कर रहा हूँ, मैं एक बार और आया था, लेकिन ऐसा नज़ारा मैंने नहीं देखा था। उस टाइम पे बस रात के टाइम में आया था, और फिर सुबह ही उतना सही से नहीं देख पाया था। और बाइक में थोड़ा फीलिंग करवा लेते हैं, गाड़ी को थोड़ा खाना पीना देना ही पड़ेगा। ओए होए लड़की ब्यूटीफुल, पेट्रोल टंकी कर दो फुल। यहाँ पे आपको हर जगह पे टमटम की सवारी देखने को मिलेगी, ये गाड़ी घोड़ा गाड़ी है। और यहाँ पर माउंटेन की रेंज जो कि दिख रही है सामने पहाड़, तो राजगीर का फर्स्ट चाय। तो अभी हो गया चाय पी के हमारा, हो गया, और यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट। बहुत डेवलपमेंट तो इधर में हुआ है पहले की अपेक्षा, और भी डेवलपमेंट की जरूरत है इधर में। तो यहाँ से अब पहाड़ी सड़क स्टार्ट हो चुका है, पहाड़ी सड़क होता है थोड़ा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, जो कि माउंटेन देख सकते हैं यहाँ दोनों साइड में आपको। अरे भाई रत्नागिरी, रत्नागिरी इधर भी है क्या? रत्नागिरी शायद माउंटेन रेंज है,
और मजा बहुत ही ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं ग्लास ब्रिज और फुल ऑन एक्साइटेड है। ऐसा नजारा आज देखेंगे ना अपने बिहार में, यह में बहुत कम ही ग्लास ब्रिज है, जो कि अपने बिहार में भी एक ग्लास ब्रिज है। खुशी की बात है कि हम लोग आज वो चीज देखने वाले हैं। वैसे इसका जो ओपनिंग हुआ था वो इसी साल मार्च में या अप्रैल में हुआ था, मार्च या अप्रैल में मुझे याद नहीं है, लेकिन अप्रैल के आसपास हुआ था। और ये नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है और वही हम लोग देखने जा रहे हैं, और वहाँ पर नेचर सफारी भी है। बाकी यहाँ पर दोनों साइड में जो जंगल वाली फील आ रही है वो एकदम लाजवाब फील आ रही है। मौसम का इफेक्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे कोल्ड, मतलब ठंड लग रहा है। ज्यादा स्पीड अगर कर रहे हैं बाइक तो फिर ठंड ज्यादा लग रहा है। घोरा कटोरा जलाशय जो कि एक झील है, लेक है, जो कि यही आगे कुछ दूर पे है, तो अगर टाइम मिला तो वो भी हम देखेंगे। और सड़क अच्छी है यहाँ की। ये है विश्व शांति स्तूपा का द्वार। इधर तो मैं पहले आया था, हम लोग पूछा जाए क्या ग्लास ब्रिज किधर है, पीछे बोर्डरिंग मिला था, जो गेट मिला था उसी में। हम लोग थोड़ा गलत आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैप हम लोग ने सेट नहीं किया था इस वजह से। राजगीर भी एक अलग चीज है यार, मतलब अगर आप राजगीर को सही से एक्सप्लोर करेंगे तो लगभग आपको 2-3 दिन जाने वाला है। तो यहाँ से सोन भंडार वाली रास्ता है भाई, ठंड लग रहा है भाई। रे 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 रे। स्वर्ण, अच्छा स्वर्णगिरी पर्वत सोन भंडार। अरे यहाँ पर तो बहुत भीड़ लगा हुआ है भाई, लाइन लगा हुआ है। 10 रुपया पार्किंग का चार्ज है यहाँ पे। ठीक है ठीक, भीड़ नहीं है तो चलिए अभी पार्किंग में लगा देते हैं बाइक को। तो यहाँ पे अभी हम मेन एंट्री के पास हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ पे लाइन लगा हुआ है काफी लंबा, जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा लंबा लाइन है। और टिकट इधर में मिलता है, टिकट लेने में बहुत ज्यादा लाइन लंबा लगा हुआ है, इसको अगर ऑनलाइन किया जाए तो और बढ़िया रहेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं नेचर सफारी का टिकट लेने के लिए स्टैंड इन लाइन। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस, हैव अ लुक, वाओ। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं नेचर सफारी के अंदर। नेचर सफारी का एंट्री है जो कि देख सकते हैं वेलकम टू नेचर सफारी। यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है और वहाँ पर भी लाइन अभी लग रहा है। लाइन में हम लोग लग चुके हैं नेचर सफारी के लिए। सीपी भाई क्या है, सीपी भाई आई एक्साइटेड बहुत बहुत ज्यादा अपने यहाँ पे। सभी आदमी जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आप लोग भी ना? यहाँ से गाड़ी थोड़ा कम चलती है तो इसलिए लाइन में लगना पड़ता है, वेट भी करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं, देख सकते हैं भाई लोग वीडियो में, और ये लोग सब्सक्राइब भी किए हैं। साथ में हम भी है, प्रॉब्लम हो रही है व्हीकल की, जो कि मतलब आदमी जितना है उसके हिसाब से गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम 1 घंटे से खड़े हैं अप्रोक्स और गाड़ी नहीं आ रही है। गाड़ी की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। हमारी गाड़ी यहाँ पर बहुत अरसे के बाद, काफी टाइम वेट करने के बाद यहाँ पर गाड़ी आई है। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, फोर्स कंपनी का गाड़ी है। ऐसा है कि 50 रुपया जो एंट्री फी है ना वो फुल पैसा वसूल है, क्योंकि इतना शानदार गाड़ी है और इतना मस्त फुल निर्वाणा है। आई कांट सेव आउट दिस। वाह 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 वाह। दोस्तों ये जो सामने आप स्पॉट देख रहे हो ये है जरासंध का अखाड़ा, जहाँ पे महाभारत के टाइम पे भीम ने जरासंध को यहीं पे चीर दिया था, जो कि बहुत ही फेमस स्पॉट है। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, तो यहां से आई एम एट नेचर सफारी, रहा मेरे पीछे नेचर सफारी। यह है यहां का एंट्री पॉइंट, जो कि देख सकते हैं यहां से हम एंट्री करेंगे अंदर के लिए। Even when you are blowing up, oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken. आई एम एट नेचर सफारी का फोटोज एंड सेल्फी कुछ ले रहे हैं और यहाँ से एंट्री है, एंट्री करेंगे फिर अंदर देखेंगे कि अंदर में कैसा बनाया गया है ये।
तो यहाँ पे टिकट मिलता है। स्काई वॉक्स का टिकट का प्राइस है 125 रुपया, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है। मैक्सिमम टिकट प्राइस है वो है बैम्बू वुडन 500 रुपया। स्काई वॉक्स का टिकट है 125 रुपया पर पर्सन। अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं नेचर सफारी के अंदर, टिकट भी ले लिए। यहाँ टिकट का काफी लोचा है, वहाँ से एंट्री करते हैं, फर्स्ट एंट्री करते हैं, और अगर आपका टिकट गिर जाता है, गुम हो जाता है बाई चांस, तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, आपको फिर से रिटर्न जाना पड़ेगा और फिर से टिकट लेना पड़ेगा। टिकट कैरी करके ही रखें। लास्ट ब्रिज का मेन एंट्री पॉइंट स्काई वॉक, सर जो भी टिकट है वो संभाल कर रखो, क्या पता आपसे कहाँ पर दोबारा मांग लिया जाए। स्ट्रक्चर है सीढ़ी का बनाया गया है, पहाड़ को काट के पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया सीढ़ी नुमा। एज ऑलवेज हर माउंटेन इलाका में जिस तरीके से ट्रैकिंग होता है उसी तरीके से यहाँ भी ट्रैकिंग है थोड़ा बहुत, और सांसें भी फूल रही है। तो फाइनली गाइज वी आर एट स्काई वॉक्स ऑफ राजगीर, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। एंट्री पॉइंट देखते हैं यहाँ से, हम स्काई वॉक के अंदर इंटर कर चुके हैं। स्काई वॉक का आइए आप भी देख सकते हैं, ये पीछे प्रेजेंटिंग स्काई वॉक्स ऑफ बिहार, बहुत ही बड़ा डेस्टिनेशन है, बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है। फाइनली देख सकते हैं मेरे पीछे स्काई वॉक्स ऑफ बिहार, जो कि ये बिहार का गौरव कह सकते हैं इसको, और ये रहा यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन हमारा स्काई वॉक्स का, और बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है आने के बाद। और ये जो है ना ये एकदम पूरा शीशा का है स्काई वॉक्स, कैसा लग रहा है आपको एसीपी भाई? बहुत मजा, बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम बिहार में ऐसा चीज देख रहा हूँ। और नीचे देखने में थोड़ा जो कमजोर दिल वाले हैं उन लोगों को तो चक्कर भी आएगा, फोन थोड़ा आराम से रखिएगा नहीं तो जाएगा तो मिलेगा भी नहीं। हिल भी रहा है, थोड़ा हिल भी रहा है, जंपिंग भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा ना, डर तो लग ही रहा है। जिसका हार्ट बीट थोड़ा कमजोर है, दिल के जो कमजोर है उनको तो काफी दिक्कत होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं ना ऊंचाई? नहीं नहीं, मैं तो रॉकिंग हूं यार, मुझे कहीं भी जंप भी लगा सकते हैं क्या? एक समय जंप तो लगा सकते, ज्यादा हो नहीं ऐसे जंप नहीं लगा सकते, पैराशूट रहे। इट्स ऑल सेम, सम थिंग्स हैव चेंज्ड, आई कुडंट स्टॉप एंड से नो। इट्स ऑल सेम, यू वोंट टेक ब्लेम, इवन व्हेन यू आर ब्लोइंग अप। ओह माय ब्रोकन, nobody's gonna save me. Oh my, girl, I'm broken down. So come on, let me show you. तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, और यहाँ से पथरीली सा